Prime Minister, let's talk about an event that continues to have its reverberations till today. Ram Mandir Pran Pratishta. What thoughts crossed your mind when you first entered the shrine and you performed the first aarti to Ram Lalla? <laughs> अयोध्या के इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने आकर के निमंत्रण दिया प्राइम मिनिस्टर को बहुत निमंत्रण आते हैं लेकिन इस निमंत्रण ने मुझे जग दौड़ दिया और जब से निमंत्रण मिला तब से मैं एक प्रकार से उस स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में डूबता गया मेरे पास शब्द तो है नहीं कि मैं इसका वर्णन कर सकूं और जो बड़े विज्ञान और आध्यात्म को दुश्मन मानते हैं एक दूसरे का उन लोगों के लिए हो सकता है मेरी बातें बहुत बड़ा मजाक का एक हथियार भी बन जाए लेकिन मैं कुछ और अनुभव करने लगा और लगाकर भाई फील उसके बाद मैंने एक तय किया कि मैं ग्यारह दिन का अनुष्ठान करूँ उसमें भी मैंने कह तय किया कि मैं ये अनुष्ठान खास करके दक्षिण में प्रभु राम जी के साथ जुड़े हुए जितने स्थान है वहां पर समय बिताऊंगा पार्टी का भी काम करूंगा सरकार भी काम करूंगा लेकिन मेरा बाकी समय मैं अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाऊंगा और उस ग्यारह दिन के अनुष्ठान में मैं एक प्रकार से पूरी तरह अंतर्मुख हो चुका था मेरे मन में यही भाव था और जब मैं अयोध्या पहुंचा जब मैं एक एक कदम चल रहा था मैं यही मेरे मन में मंथन चल रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इसलिए यहाँ जा रहा हूं क्या कि मैं भारत का एक नागरिक के नाते जा रहा हूं। और मैं हमेशा फील करता था कि मैं वैसे एक करोड़ देशवासियों की सामान्य भक्त भा, के रूप में जा रहा हूँ कोई मेरे आसपास भी कहीं पीएम एम मंडरा नहीं रहा था मैं उसे परे हो चुका था और यही रहता था देश 500 साल का संघर्ष लाखों लोगों के बलिदान लाखों लोगों की तपस्या यात्राए पाँच सौ साल अनेकों पीढ़ियों की आशा आकांक्षा भक्ति